Assalamu alaikum. Today we will solve MA1 BPP kit questions of chapter labor costing. ये वो questions हैं जो मैंने labor के chapter करवाते वक्त नहीं करवाए थे, तो मैं आज इसकी video बना रही हूँ. Let's start. A business makes one product only. Business सिर्फ एक product बनाती है. The following data relates to the total labor cost of making 500 units in a 1 week period. ये जो following जो ये नीचे data दिया हुआ है, ये total labor cost है. किसकी total labor cost है? जो laborों ने मिल के 500 unit तैयार किए हैं एक हफ्ते के time period के अंदर अंदर, जो नीचे जो costing दी हुई है ये उसकी total cost बताया हुआ है. बेसिक वेज जो हमें दिया हुआ है, यहाँ से ये लाइन पढ़ के मुझे ये बात समझ में आती है कि लेबर ने टोटल 500 यूनिट्स बनाए. टोटल यूनिट्स कितने हैं? टोटल यूनिट्स है हमारे 500. ठीक. बेसिक वेज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ आवर्स पर एम्प्लॉई, रेट पर आवर, टोटल कॉस्ट. बेसिक वेज निकाली है पहले. 12 एम्प्लॉई हैं, हर एक एम्प्लॉई ने 35-35 घंटे काम किया है. एक घंटे का रेट है 5. टोटल कॉस्ट है हर एक इंडिविजुअल की, वो है 2100. ठीक है. ओवर टाइम इन्होंने हर एक इंडिविजुअल ने 5-5 घंटे का ओवर टाइम किया, मतलब कि 12 एम्प्लॉई हैं, तो इन 12 के 12 ने 5-5 घंटे का ओवर टाइम किया है. और जो ओवर टाइम का रेट है वो है 7.50 और 450 इसकी कॉस्ट है. सही. इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो आई दिस अमाउंट, इसको इससे किया होगा तो आई है ये अमाउंट. इन दोनों अमाउंट्स को मैंने ऐड कर लिया, मेरे पास आ गया 2550. मैनेजमेंट आर थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द रिम्यूनरेशन मेथड टू अ पीस वर्क सिस्टम. मैनेजमेंट जो है वो अपना मेथड चेंज करना चाह रही है. वो अब रिम्यूनरेशन मेथड जो उसका था, पहले था उसका आवरली मेथड, अब वो उसको चेंज करके जाना चाह रही है पीस वर्क सिस्टम पे, वेयर एम्प्लॉइज आर पेड. और जब अब आपको पता ही होगा लेबर के, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पीस वर्क में हर यूनिट प्रोड्यूस करने के हिसाब से पैसे मिलते हैं. उसने यहाँ पे एक ना स्लैब डिफाइन कर दिया है कि लेबर को, लेबर्स आर पेड 4.10 पर यूनिट फॉर ईच यूनिट दे प्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट 40 यूनिट्स. तो फॉर द फर्स्ट 40 यूनिट्स लेबर को मिलेंगे कितने? $4.10. और अगर फॉर ईच यूनिट एंड दे प्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट 40 यूनिट्स एंड 4.70 पर यूनिट फॉर एनी यूनिट प्रोड्यूस ओवर एंड अबव 40. और अगर अबव 40 होंगे तो हर यूनिट के बदले अबव 40 के बाद कितने मिलेंगे? $4.70. ठीक है. फॉर एनी यूनिट प्रोड्यूस over and above 40. Okay. Employees are expected to produce 45 units per week. और employees ने under this system, मतलब कि piece work में आने के बाद उन्होंने 45 unit produce किए हैं. Okay. What is the change in the unit labor cost from the current system to the proposed piece work system? तो जो examiner है वो ये पूछना चाह रहा है कि labor cost जो हमारी पहले की, हमारी लेबर कॉस्ट पहले क्या थी? 2550. ये हमारी टोटल लेबर कॉस्ट थी जब हम आवरली पे काम करते थे. ठीक है. तो ये पूछना चाह रहा है कि एक यूनिट, एक लेबर की कॉस्ट में, यूनिट लेबर कॉस्ट में जब हम करंट मेथड यूज करते थे और जब फिर हम प्रपोज सिस्टम पीस वर्क पे आए, तो क्या चेंज आया है एक यूनिट लेबर कॉस्ट में. ठीक है. तो वो करने का तरीकेकार कुछ ऐसा होगा. सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे जो प्रेजेंट मेथड दिया हुआ है ना, प्रेजेंट मेथड का कॉस्ट पर यूनिट मैं निकाल लूंगी. तो मैं लिख देती हूँ प्रेजेंट मेथड जो अभी हम करंटली यूज कर रहे हैं. तो कितने हैं मेरे यूनिट्स? 2550 डिवाइडेड बाय, ये कॉस्ट है और ये यूनिट्स हैं, तो मैंने आपस में डिवाइड किया
तो आ जाएगा क्या 5.10 per unit। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, ये एक चीज आ गई। अब क्या हुआ, मैनेजमेंट जिन्हें जो है वो शिफ्ट कर लिया किस पे, पीस वर्क सिस्टम पे। पीस वर्क सिस्टम में आने के बाद क्या होगा कि फर्स्ट 40, तो 12 एम्प्लॉइज हैं, ठीक, 40 यूनिट्स हर एक ने बनाए हैं और एक यूनिट बनाने के मिलते हैं 4.10, मतलब के टोटल कमाए इन सब ने, मतलब के हर एक ने 191968। अब मोर देन 40 की बात करते हैं, तो 12 एम्प्लॉइज हैं, 5 इन सब ने बनाए मजीद, और मोर देन 40 का रेट है 4.70, तो इनकी टोटल कमाई हो गई हर एक की 282। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, हमारे पास टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी, वो हमारी आ रही है 2250। अगर आप लोग गौर करो तो ये वाला मेथड और ये तरीकेकार, लिखने का तरीकेकार बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, लेकिन ये जो है ये आवर्ली मेथड है और ये जो है ये पीस वर्क मेथड है। ठीक है, ये मैंने वही लिखे हैं, ये मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिखे हैं, ये मैंने जो है ये मैंने यूनिट्स लिखे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स NOU लिख दिए, और मैंने ये लिख दिया है रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट, और ये मेरी आ गई है TC। RPU मीन्स रेट पर यूनिट, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। आई होप ये समझ यहाँ तक क्लियर हो रही होगी बात। अच्छा जी, कॉस्ट मैंने निकाल ली थी, कॉस्ट तो निकाल चुकी हूँ मैं, अब मुझे निकालना होगा नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि इसका तो मुझे पता था कि इसके जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो हैं मेरे 12 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, इन सब ने मिलके 45 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं 12 एम्प्लॉइज ने मिलके वो किए हैं 540। ठीक है, अब लेबर कॉस्ट निकालना आसान है पीस वर्क की, इसकी तो आई थी ये तो थी मेरे प्रेजेंट मेथड की लेबर कॉस्ट। ठीक है, अब मैं दूसरे की निकालती हूँ जो कि मेरा प्रपोज्ड है, प्रपोज्ड मतलब जो मैंने नया इंट्रोड्यूस करवाया है, प्रपोज्ड मेथड कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। टू टू फाइव जीरो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो मेरे पास लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी कितनी, $4.17। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं देखना चाह रही हूँ चेंज कितना आया है, चेंज इन यूनिट लेबर कॉस्ट। पहले मेरी थी $5.10 जब मैं आवर्ली मेथड यूज करती थी, फिर जब मैं नए सिस्टम पे आई, जब मैं पीस वर्क पे आई, तो मेरी जो लेबर कॉस्ट पर यूनिट है वो थी $4.17, मतलब ये 0.93 से इसका डिक्रीज हुई है, 0.93 is the right answer। ये सवाल बहुत सिंपल था, इस सवाल के अंदर पहले जो था वो लेबर, पहले जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस आवर्ली मेथड यूज करती थी, सही है, और उसने सारी डिटेल्स दी नहीं थी, सही है, किस किस तरीके से टोटल कॉस्ट आई थी 500 यूनिट्स को बनाने की। उसके बाद जो है फिर मैंने डिसाइड किया, इस बिजनेस ने डिसाइड किया कि उसको अपना रिम्यूनरेशन मेथड चेंज करना है, और वो पीस वर्क पे आ गई,
पीस वर्क में आने के बाद उसकी टीसी आई, ये टीसी मीन्स टोटल कॉस्ट आई इसकी 2250। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स हमने निकाले, 12 एम्प्लॉयज थे, इन सब ने मिलके काम किया 45, इन सब ने मिलके 45 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं अपने अपने तौर पे, इन इकट्ठे नहीं अपने अपने तौर पे, मतलब हर एक एम्प्लॉय ने 45 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, मतलब ने सब के मिल मिला के कितने हो गए 540। तो मैंने डिवाइड करके इसको कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया, दोनों के पर यूनिट को कंपेयर किया, तो मुझे पता चला कि मैं मेथड इंट्रोड्यूस होने के बाद मेरी यूनिट लेबर कॉस्ट में 0.93 का डिक्रीज आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री आर पेड एट अ बेसिक आवरली रेट ऑफ 5.50। एम्प्लॉयज एक फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज को जो है 5.50 का रेट मिलता है आवरली रेट, ठीक, और मिलता है फॉर अ 35 आवर्स वीक। अगर वो 35 आवर्स काम करते हैं एक वीक के अंदर और उन्हें एक घंटे का जो उनका रेट है वो है 5.50, ओवर टाइम इज पेड एट अ रेट ऑफ 7.50 पर आवर। ओवर टाइम जो है वो हम लेबर को देते हैं 7.50 पर आवर के हिसाब से। इट टेक्स वन एम्प्लॉई 3 आवर्स टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ द सोल प्रोडक्ट। अच्छा जी, एक एम्प्लॉय को एक यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं, लिखा हुआ है ना, इट टेक्स वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को 3 घंटे लगते हैं एक सोल प्रोडक्ट बनाने में। ऑन एवरेज एम्प्लॉयज वर्क 4 आवर्स ऑफ ओवर टाइम इन अ वीक। एक एवरेज के मुताबिक ऑन एवरेज एम्प्लॉयज जो हैं उस फैक्ट्री के, उन्होंने 4 घंटे का ओवर टाइम किया है, ठीक। मैनेजमेंट आर कंसिडरिंग ऑटोमेटिंग पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस विच विल प्रोड्यूस यूनिट प्रोडक्शन टाइम बाय 30 मिनट्स। मैनेजमेंट जो है इस बात पे कंसिडर कर रही है, ये सोच रही है कि वो एक ऑटोमेटिंग पार्ट जो है ना बिजनेस में इंस्टॉल करवा दे, जिससे क्या होगा कि जो के प्रोडक्शन जो यूनिट को बनाने का टाइम है ना 3 घंटे, वो उसको रिड्यूस कर देगी 30 मिनट्स। मतलब के पहले मशीन लगने से पहले एक यूनिट को बनने में 3 घंटे लगते थे, जब मशीन इंस्टॉल हो जाएगी तो एक यूनिट को बनने में 2.5 घंटे लगेंगे, जो वो मशीन है वो रिड्यूस कर देगी हमारा टाइम, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ओवर टाइम विल नॉट बी नीडेड अंडर दिस सिस्टम। और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब वो ऑटोमेटिंग पार्ट नया इंट्रोड्यूस हो जाएगा फैक्ट्री के अंदर, तो हमारा जो ओवर टाइम है वो नहीं होगा इस वाले सिस्टम नया वाला, जब नई मशीनरी इंस्टॉल हो जाएगी तब जो है हमारा इसमें ओवर टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नई मशीनरी इंस्टॉल होने के बाद। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द न्यू सिस्टम ऑन द पर यूनिट लेबर कॉस्ट। तो वो ये कह रहा है जब ये न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करंट सिस्टम, सबसे पहले मैं अपनी बेसिक पे निकालूंगी। अच्छा जी, इस सवाल में मुझे कहीं भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन नहीं है। तो अगर मैं कोई भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अज्यूम कर लूं, जैसे कि आप लोगों की बुक के अंदर जो है, अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आप लोगों को 50 एम्प्लॉयज नजर आएंगे। लेकिन बहुत से बच्चे मुझसे आके पूछते हैं, मिस 50 तो सवाल में गिवन ही नहीं है, तो सॉल्यूशन में क्यों 50 दिया हुआ है। तो आप, क्योंकि हमें जो है ना एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, तो उससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का,
ठीक, तो अगर मैं इस सवाल को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बगैर भी करूं तब भी मेरा आंसर सेम आएगा। चलो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेते ही नहीं हूँ, ठीक। 35 मेरे वर्किंग आवर्स है, ठीक है, और मुझे मुझे मिलता है, वो मिलता है 1 घंटे का 5.50। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 5.50, 192.5। उसके बाद ओवर टाइम, ओवर टाइम के घंटे हैं मेरे 4 और ओवर टाइम का रेट है 7.50। हो गया 30। ठीक, मैं निकालूंगी अपनी टोटल लेबर कॉस्ट, इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ। 192.5, 222.5, ठीक। सेकेंड स्टेप, मुझे कॉस्ट पर यूनिट के लिए चाहिए होता है नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिट मेरे पास टोटल लेबर कॉस्ट तो आ गई है, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए मैं करूंगी 39 को डिवाइड 3 से, आ जाएगा 13। 39 आवर्स हैं ये, ठीक है, कि टोटल 39 आवर्स काम हुआ है और एक यूनिट को बनने में 3 घंटे लगते हैं, तो कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए? तो 13 यूनिट प्रोड्यूस हुए। तो 39 आवर्स जो हैं वो लेबर काम करते हैं, बेसिक और ओवर टाइम मिला के टोटल आवर्स काम करते हैं 39, और एक यूनिट को बनने में 3 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए? 13 यूनिट प्रोड्यूस हुए, ठीक। अच्छा जी, अब तो निकालना आसान है ना, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट पर यूनिट हम निकालते हैं 222.5 डिवाइडेड बाय 13, 222.5 डिवाइडेड बाय 13, आंसर आ जाएगा 17.11। अगर आप लोग इस सवाल में, अगर मैं 50, जिस तरह के बुक के सॉल्यूशन में है कि 50 एम्प्लॉयज भी दिए हुए हैं, तो अगर मैं, आप लोग करके देखिएगा, 50 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे एक फिगर टोटल कॉस्ट निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ तरीकेकार क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स फिर 13 नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर तो वहाँ एम्प्लॉयज का अमल दखल आ जाएगा ना, तो फिर उसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगी। अगर अगर आप लोग इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टेकन टेकन तो कैसे होंगी इसकी इसकी कैलकुलेशन? इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी कि 50 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, 39 घंटे ये सब अपना अपना काम करते हैं और एक यूनिट को बनने में 3 घंटे लगाते हैं, मतलब इन सब ने टोटल मिलके 650 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। फिर क्या होगा, मैंने बताया कि जैसे ही अगर आप 50 एम्प्लॉयज लोगे ना, तो यहाँ पे बस फर्क ये आ जाएगा कि 50 से भी मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है, तो यहाँ पे अलग फिगर्स आ जाएंगी, जो भी आपकी 50 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी उसको आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और नंबर ऑफ यूनिट्स का जो ताल्लुक होता है, अगर आप एम्प्लॉयज लेते हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाय 39 डिवाइडेड बाय 3 करके इस तरीके से फिर यूनिट्स आएंगे, अगर आप एम्प्लॉयज को कंसिडर करते हैं तो। अब वो एम्प्लॉयज आप जितने भी ले लें, ठीक है, 650 आप किस तरह निकालोगे कि 50 जो है वो एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि मैंने 50 की मिसाल इसलिए दी है कि बुक में 50 है, 50 एम्प्लॉयज हैं, 39 घंटे इन सब ने मिलके काम किया है अपने अपने तौर पे, मतलब ठीक है, इन सब ने अपना अपना 39 39 घंटे काम किया है और एक यूनिट को बनने में
3 घंटे लगते हैं, मतलब कि टोटल इन सब ने मिल मिला के कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 650। और अगर एक की बात करें तो 13 प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, ये तो था तब तक जब हमारा करंट सिस्टम चल रहा था। अब दूसरी में क्या हुआ था कि उन्होंने एक प्रपोज सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अंदर ये था कि नया मशीन लगने के बाद जो है वो टाइम 2.5 घंटे से रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिक पे जो हमारी है, बेसिक पे निकालेंगे हम, 35 हमारे एम्प्लॉयज हैं। मैं दोबारा से टेबल नहीं बना रही हूँ, यही सब काम होगा, ठीक है। मैं अभी फिलहाल इसको रब कर रही हूँ, आप करना चाहो तो आप एम्प्लॉयज के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। बेसिक पे जो है वो 35 आवर्स में निकलेगी, ठीक है। जो रेट है वो है मेरा 5.50, और ये हमारा आ जाएगा 35 × 5.50, रेट आ जाएगा कितना, 192.5। ठीक, इस वाले सवाल में मैं ओवर टाइम की कोई भी कैलकुलेशन नहीं करूंगी, क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि नो ओवर टाइम needed under this system, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो यही हुई है 192.5, यही होगी मेरी टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का भी तरीकेकार यहाँ भी बिल्कुल सेम होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स में कैसे निकालूंगी, थर्टी नाइन घंटे काम हुआ है और एक यूनिट को बनाने में अब लगते हैं 2.5 घंटे, सही है, क्योंकि नया मशीन लगने के बाद टाइम रिड्यूस हो गया ना 0.5 घंटे से। तो अब जो नंबर ऑफ यूनिट्स हुए हैं टोटल, वो हुए हैं 39 घंटों में, वो हुए हैं 15.6, ठीक। अब मैं डिवाइड कर लेती हूँ उसको कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, 192.5 divided by 15.6, तो ये आ जाएगा 12.5। इस सवाल में मैंने एक मिस्टेक कर दी, वो ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूनिट्स से निकालते वक्त ना यहाँ पे 35 लेना है, 39 नहीं लेना है, 35, क्योंकि इसमें तो ओवर टाइम की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो मैं 35 करूँगी। 35 मेरे आवर्स हैं और 2.5 जो है वो मेरा एक यूनिट को बनाने में लगता है, तो आ जाएगा ये 14। नंबर ऑफ यूनिट्स हुए हैं 14। अब मैं निकालूंगी कॉस्ट पर यूनिट, 192.5 divided by 14, तो आ जाएगा कितना, 13.75। मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, मैंने यहाँ पे 39 ले लिया था, लेकिन 39 नहीं लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे खुद ये बात बताई है कि इस सवाल में तो ओवर टाइम की जरूरत है ही नहीं, तो मैं 39 कैसे ले सकती थी, तो सिर्फ 35 लूंगी, ठीक, क्योंकि उसने खुद बोला है कि नो ओवर टाइम नीडेड अंडर दिस सिस्टम। तो 13.75 कॉस्ट पर यूनिट आ गया, ठीक है। अब मैं चेंज इन डिफरेंस मालूम कर लेती हूँ कितना आया है। पहले जो जब नई मशीन इंस्टॉल नहीं हुई थी तब मेरा कॉस्ट पर यूनिट कितना था, 17.11 था। अब कितना है, 2.5 घंटे से जब रिड्यूस हो गया टाइम, तो अब एक के ऊपर लगते हैं 13.75। तो 17.11 माइनस 13.75, तो मेरा जो टाइम है वो $3.37 से रिड्यूस, राउंड ऑफ कर दिया है, तो 3.37 से मैंने अपना जो नया मशीन भी इंस्टॉल जब हुई, नया सिस्टम जब इंस्टॉल हुआ, तो उसने मेरा जब 0.5 घंटे का टाइम रिड्यूस किया,
तो मेरी लेबर कॉस्ट पहले एक यूनिट लेबर कॉस्ट मुझे पड़ता था 17.11 का डॉलर, लेकिन जब नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ मेरा जो टाइम है वो आधे घंटे से डिक्रीज हुआ। दर्स बात है, जब आधे घंटे से डिक्रीज हुआ है तो मुझे ओवर टाइम की जरूरत नहीं पड़ी, तो मेरे पैसों में भी कमी आई। तो कितनी परसेंट कमी आई एक यूनिट लेबर कॉस्ट की, वो आई है 3.37 एंड सॉरी डिक्रीज है ये 3.37, सी इज द राइट आंसर। अच्छा एग्जामिनर ना हर तरीके का सवाल देगा, इंक्रीज है डिक्रीज है, तो सिर्फ नंबर निकालना कमाल नहीं होता, उससे आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है ये भी आपको पहचानना होता है। तो इससे मुझे जो है फायदा हुआ है, ठीक है, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होने के बाद मैं फायदे में गई हूँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, अ बिजनेस करंटली यूजेस अ पीस वर्क स्कीम टू पे इट्स डायरेक्ट लेबर्स। बिजनेस जो है वो पीस वर्क सिस्टम यूज करता है अपने डायरेक्ट लेबर्स को पे करने के लिए। एम्प्लॉयज आर पेड एट 3.50 पर यूनिट फॉर द फर्स्ट 50 यूनिट्स। पहले 50 यूनिट्स पे एम्प्लॉयज को मिलेंगे 3.50, उसके बाद एंड 4 पर यूनिट फॉर एवरी यूनिट अबव 40। अगर अगर 50 से ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो हर यूनिट के बदले मिलेंगे कितने 4। फर्स्ट 50 पे मिलेंगे, इन्होंने स्लैब रेट भी डिफाइन कर दिया, फर्स्ट 50 पे मिलेंगे 3.50, ठीक है, और अबव 50 पे मिलेंगे 4.00, ठीक। ऑन एवरेज एन एम्प्लॉई प्रोड्यूस 60 यूनिट्स इन अ 38 आवर्स वर्किंग वीक। अच्छा एम्प्लॉई जो है वो 60 यूनिट प्रोड्यूस कर लेते हैं 38 आवर्स काम करके एक वीक के अंदर, ठीक है जी। मैनेजमेंट आर कंसिडरिंग चेंजिंग टू अ पर आवर मेथड रिम्यूनरेशन स्कीम। अब मैनेजमेंट जो है ना वो चेंज करना चाह रही है, वो आप पीस वर्क से पर आवर की बेसिस पे आना चाह रही है। वेयर एम्प्लॉयज वुड बी पेड, जहां पे क्या होगा एम्प्लॉयज को बेसिक वेज दी जाएगी। एक घंटे का रेट कितना होगा 5 पर आवर। अच्छा 36 अगर 5 पर आवर होगा फॉर अ 36 आवर्स, अगर वो एक हफ्ते में 36 आवर्स काम करते हैं, ठीक है, तो उनका एक घंटे का रेट कितना होगा 5। अगर तो वो कोई ओवर टाइम करेंगे विद ओवर टाइम पेड एट अ प्रीमियम अबव बेसिक वेज, तो अगर तो वो कोई ओवर टाइम करेंगे तो उनको प्रीमियम भी मिलेगा जो कि अबव बेसिक वेज होगा, वो उनको मिलेगा $2.40। देयर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब देयर इज नो नॉट एक्सपेक्टेड चेंज, तो कोई चेंज नहीं होगा लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के अंदर। यूनिट 60 हैं तो वो 60 ही रहेंगे, ठीक। What is the change in unit labor cost from the piece work system to the proposed hourly rate system? तो वो कह रहा है piece work से वो hourly पे जा रहे हैं, तो उनका जो है क्या change आया है? अगर आपको याद हो question number 6.26 में वो hourly से piece work में गया था, अब इस वाले question में वो हम piece work से hourly पे जाएंगे। सबसे पहले मैं चार्ट बना लेती हूँ एक पीस वर्क के लिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहो तो आप लोग ले लो, ठीक है, बल्कि आप लोग खुद करना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। मैं बगैर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ करती हूँ। फर्स्ट 50 50 यूनिट है, इसके बदले मिलेंगे 3.50, मल्टीप्लाई करके देखती हूँ क्या आंसर आ रहा है। 50 मल्टीप्लाई बाय 3.50 175 आ रहा है। अबव में क्या है,
अबव 15 मतलब कि 10 लिखा हुआ है ना कि ऑन एवरेज एम्प्लॉई प्रोड्यूसेस 60 यूनिट, मतलब 50 पे मिलेंगे चार के हिसाब, 50 पे मिलेंगे 3.50 के हिसाब से, और जो अबव 50 होंगे मतलब कि 60 में तो 10 हो गए, उस पे मिलेंगे चार के हिसाब से, वो रहेंगे हमारे 40। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी 175 + 40 आ जाएगी 215। ठीक है, ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जब आ गई है तो उसके बाद हम निकालेंगे अपने नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे दिया हुआ है 60, उसमें हमें यहाँ दिया हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पे पिछले वाले सवाल की तरह इस तरह से कुछ भी डिफाइन नहीं है कि इतने घंटे लगेंगे या इतने मिनट लगेंगे, तो सिंपली गिवन था तो मैंने सिंपली लिख लिया है। अब मैं निकालूंगी कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मैं टोटल कॉस्ट में 215 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो 215 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा मेरा 3.58। ठीक, ये तो मैंने कॉस्ट पर यूनिट निकाली है अभी पीस वर्क सिस्टम से। ठीक, लेकिन अभी मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी बाकी है आवरली मेथड से। आवरली मेथड से जब मैं निकालूंगी तो उसका तरीकेकार कुछ यूं होगा, यहां तक बात क्लियर है? ठीक, आवरली के लिए मैं इधर काम कर लेती हूँ। अब न्यू सिस्टम जब आ जाएगा तो न्यू सिस्टम में आने के बाद अब क्या है, बेसिक वेज में जो दूंगी या बेसिक पे जो मैं दूंगी 36 जो है वो मेरा क्या है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स है। ठीक, इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉईज ने जो है वो फॉर अ 36 उनको कितना वेज मिलेगा, 5 पर आवर मिलेगा, 36 आवर्स वर्किंग विद ओवर वर्किंग, अगर वो 36 आवर्स काम करते हैं हफ्ते में तो उनको एक मिनट के बदले, एक घंटे के बदले उनको मिलेगा 5 पर आवर। ठीक है, अगर तो कोई ओवर टाइम होगा तो ओवर टाइम उनको मिला जाएगा किस पे, टू प्रीमियम अबव वेज रेट हो जाएगा 2.40। ठीक है, और यहाँ पे इधर यह बात कहीं भी नहीं लिखी हुई कि ओवर टाइम की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब है कि ओवर टाइम हुआ है। नॉर्मली जो है वो 38 नॉर्मली जो है इन्होंने 36 काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑन एवरेज के मुताबिक एम्प्लॉयज ने 38 घंटे काम किया है, मतलब कि 2 घंटे का ओवर टाइम है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 5, जब मैं 36 को मल्टीप्लाई करूंगी 5 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 180। मैं निकालूंगी ओवर टाइम, ओवर टाइम है मेरा 2, तो इसके अंदर बेसिक भी शामिल है और प्रीमियम का रेट भी शामिल है, तो 5 प्लस 2 पॉइंट रेट उसने हमें यहाँ दिया हुआ था 2.40, तो बेसिकली ये 5 प्लस 2.40 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2.40 इज इक्वल्स टू 7.4, तो ये 7.4 जो है इस तरीके से आया है। सही है, ये मत बोलिएगा कि सवाल में तो कहीं 7.4 का जिक्र ही नहीं है, आपने कैसे लिख दिया, उसने ये बोला है और यही तरीके कार होता है। सही है, चाहो तो इसको अलग अलग भी कर लो, ओवर टाइम बेसिक अलग दो, प्रीमियम अलग दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक, 2 मल्टीप्लाई बाय 7.4 जब हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 14.8।
इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 180 आ जाएगा, आ जाएगा 194.8। ये हमारा हो जाएगा क्या, टोटल लेबर कॉस्ट आ गई। अब हमें निकालनी है क्या, अब हम निकालेंगे क्या चीज, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालना बहुत ही आसान काम है। नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे सवाल में गिवन है जो कि है 60 यूनिट्स, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो 194.8 डिवाइडेड बाय 60, मेरा आंसर आ जाएगा 3.25। ठीक, अब मैं चेंज ले लेती हूँ, चेंज इन लेबर कॉस्ट, पुराने वाले से मेरी क्या कॉस्ट आई थी, 3.58 पहले वाले से थी, नए सिस्टम के बाद 3.25 आई, 3.58 माइनस 3.25 तो कितने का चेंज आया है, 0.33 से डिक्रीज हो रही है। दिस इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन भी है इसका, 6.29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें से हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, द डेप्रिसिएशन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, अच्छा जी, उसके बाद द ओवरटाइम प्रीमियम इनकर्ड एट अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ अ कस्टमर, ओके, द हायर ऑफ अ टूल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। वो ये पूछ रहा है इसमें से कौन सी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो द ओवरटाइम प्रीमियम इनकर्ड एट अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ अ कस्टमर, तो ये तो मेरा डायरेक्ट का पार्ट है, तो ये तो इनडायरेक्ट नहीं हो सकता, ये तो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट का, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, द हायर ऑफ अ टूल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, तो ये तो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। द डेप्रिसिएशन ऑफ अ मेंटेनेंस इक्विपमेंट, ए इज द राइट आंसर। डेप्रिसिएशन जो है वो मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। डेप्रिसिएशन क्या चीज है, ये क्या है, ज्यादा डिटेल तो आप लोग FA2 में पढ़ोगे, लेकिन डेप्रिसिएशन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है प्रोडक्ट के लिए हो रही होती है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।